हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं जो ob-17 अपडेट्स के बाद कुछ अपकमिंग इवेंट्स और लीक्स के बारे में जो आपको आगे गेम में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये है हमारा पहला लीक, जिसमें आप एक पिस्टल और एक हैंड को देख सकते हैं। ये एक्चुअली में एक नया मोड है जो गरेना के द्वारा लाया जाएगा, जो कि होगा FPS फर्स्ट पर्सन शूटिंग मोड, जिसमें आपको अपना बॉडी नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको दिखेगी तो गन और एनिमी, उसके अलावा आपको आसपास का सराउंडिंग ही दिखेगा, जो आपने FPS मोड दूसरे गेम में भी खेला होगा। ये वैसा ही एक नया मोड होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे लीक की तरफ। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन में आपको अभी एक फ़ोटो दिखेगा, जो कि होगा एक न्यू आइटम जो कि आपको गेम में देखने को मिलेगा। ये सेम टू सेम इन्फो बॉक्स के जैसा ही होगा। जैसे इन्फो बॉक्स में आपको जोन दिखता था, इसमें आपको आसपास की एनिमी दिख जाएंगी जो आपके आसपास में होगा। ये आपको इन गेम में ही मिलेगा और इन गेम में ही यूज़ होगा, और ये आपको एनिमी का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताएगा, बस आपको एक अप्रोक्सीमेट लोकेशन बता देगा कि एनिमी वहाँ पे हो सकता है, ना कि होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस गेम में एनिमी डिटेक्टर का यूज़ किया गया है, जिससे आपको साफ आगे के रडार में लाल डॉट दिख रहा है जो कि एनिमी का साइन है, और जिससे इसको पता चल गया कि आगे उस जगह पे एनिमी हो सकता है। तो ये था वो एनिमी डिटेक्टर का यूज़। तो अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे लीक की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक नया इवेंट है जो आपको इन फ्यूचर गेम में देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको ये ब्रेक डांस वाला बंडल आपको मिल सकता है, जो आपको कुछ एक दिन लॉगिन करने पे और कुछ किल करने पे आपको ये पूरा का पूरा बंडल मिल जाएगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं गेम में, ये जो कमांडो वाला बंडल आया हुआ है, उसी तरह का सेम टू सेम ये भी ब्रेक डांस वाला बंडल आपको गेम में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हमारा ये लास्ट लीक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक न्यूज़ है जो गरेना की तरफ से दिया गया है। जैसा कि इसके मुताबिक आपको ना 17 अक्टूबर के बाद आपको गेम से जो ये डेटा प्राइजिंग मोड है, ये हट जाएगा। ये मोड हटने के बाद गरेना वालों ने कुछ नया मोड लगा के रखा है, या कुछ नया मोड लाएंगे जो ये इनके जगह पे रिप्लेस करेंगे। तो जिनके पास टोकन्स है वो और नहीं है, वो जल्दी से कलेक्ट करके वो ड्रेस को ले ले, जो कि काफ़ी अच्छा दिखता है। और सबसे लास्ट में आपको कुछ ये जो इलाइट पास आने वाला है अगला सीज़न का, जो सितंबर मंथ में आएगा, इसके दो तीन फोटोज़ दिखा रहा हूँ जो कि मेल और फीमेल बंडल के हैं, जो देखने में काफ़ी ही मस्त लग रहे हैं। तो आप जल्दी से जल्दी इसका डायमंड कलेक्ट करना शुरू कर दें, ये वाकई बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अभी जो लास्ट दो इलाइट पास था, ये तो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब अगला जो इलाइट पास है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो यह था हमारे इस वीडियो का पूरा अपडेट्स लीक्स जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और एक प्यारा सा कमेंट भी करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।